हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान श्रोतालय और मैं हूं आपकी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती। सो आज मैं फिर से आपके सामने एक लेक्चर वीडियो लेके आ गई हूं जो कि है BHU BSc नर्सिंग 2020 सॉल्विंग पेपर। जैसा कि आपको पता है कि BHU BSc जो नर्सिंग का एग्ज़ाम्स कराता है वो उसमें वो जो बायोलॉजी का पार्ट है उसमें दो पार्ट्स में वो बटे होते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चंस बॉटनी के एंड 25 क्वेश्चंस जूलॉजी के आते हैं। तो आज मैं जो लेक्चर वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ BHU BSc नर्सिंग का, वो है बॉटनी का। और यस, ये 2020 का पेपर है जो मैं आज आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। सो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत हेल्प होगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार सपना देख रहे हैं और इस बार टारगेट बना के चल रहे हैं कि वो BHU नर्सिंग एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करेंगे। उनके लिए ये लेक्चर आज का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, ये लेक्चर वीडियो पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमारा जो BHU BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था 23 अक्टूबर में हुआ था। और ये जिसका पेपर मैं आज सॉल्व करवा रही हूँ उसका जो टाइम टेस्ट टाइम था, 2 घंटे की टेस्ट टाइमिंग होती है आपको पता है, तो उनकी इवनिंग शिफ्ट की टेस्ट टाइमिंग थी 2 से 4 बजे की। सो ये एग्ज़ाम हुआ था 2020 अक्टूबर को। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बॉटनी का जो है वो है फोटो रेस्पिरेशन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये प्लांट फिजियोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि फ़ोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। आप मेरे चैनल में फ़ोटो रेस्पिरेशन के टॉपिक पे जाके वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने फ़ोटो रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में बात की हुई है और बहुत ईजी वे में समझाया हुआ है। आप में से जो भी स्टूडेंट जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप मेरे उस वीडियोज़ में जाके स्टडी कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका 3rd ऑप्शन, क्योंकि फ़ोटो रेस्पिरेशन हम C2 साइकिल को कहते हैं। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के बॉटनी पेपर में, यानी BHU BSc नर्सिंग के बॉटनी वाले पार्ट में, जो कि आपका जो सही ऑप्शन है वो है 3rd नंबर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अ बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन इन इट्स लाइफ स्पेन इज कॉल्ड। पूछ रहा है यहाँ पे ऐसे कौन से बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जो अपने लाइफ टाइम में कभी भी ओपन नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं क्लिस्टोगैमस। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ओके, वो है ऑप्शन नंबर 1, डेट इज क्लिस्टोगैमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो कि सेल बायोलॉजी से पूछा गया था। लाइजोसोम्स आर रिच इन, लाइजोसोम्स जब भी आप सेल ऑर्गन्स में पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है कि इसको हम आत्मघाती थैलिया यानी सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, राइट। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका 3rd नंबर ऑप्शन, हाइड्रोलेज एंजाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर क्वेश्चन, जो कि है द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल इज नोन एज। ये क्वेश्चन भी प्लांट फिजियोलॉजी से पूछा गया है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल को क्या कहा जाता है। सो इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है वाटर पोटेंशियल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स। BHU BSc नर्सिंग्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं। अगर आप स्टडी बहुत अच्छे से करते हो तो आप एक अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका 1st ऑप्शन, वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा होने वाला है 5th नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स? इसमें बोल रहा है मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन से आने वाला बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये भी प्लांट फिजियोलॉजी का ही क्वेश्चन है। मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, प्लांट ज़्यादातर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन वो किस फॉर्म में प्लांट को एब्जॉर्ब करते हैं? वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के फॉर्म में प्लांट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो अमोनिकल नाइट्रोजन फॉर्म के फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है नाइट्रेट। प्लांट हमेशा नाइट्रेट के फॉर्म में ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। सो आपका जो सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है 4th नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कॉइर इज ऑप्टेन फ्रॉम, जो आपका नारियल होता है, जो कोकोनट होता है, उसका जो रेशा होता है, ठीक है, कॉइर होता है, वो आपको कहाँ से मिलता है, वो कोकोनट के किस पार्ट से मिलता है, वो इंडोकार्प से मिलता है, एपिकार्प से मिलता है, इंडोस्पर्म से मिलता है, या फिर मीजोकार्प से मिलता है. सो कॉइर आप जो पर्टिकुलर आप नारियल के कॉइर की रेशम की बात कर रहे हो तो वो आपके मीजोकार्प से मिलता है. तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ नंबर ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है. ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस है. पूछ रहा है न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन, न्यूमेटोफोर्स कहाँ पाया जाता है, किन जंगलों में देखने को मिल जाता है, ठीक है, सैंटीवन फॉरेस्ट, नंदनवन फॉरेस्ट, वृंदावन फॉरेस्ट, या फिर सुंदरवन फॉरेस्ट. तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. सुंदरवन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल जाता है. तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप इज नोन एज. सो कैरियोटाइप का जो ग्राफिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस में होता है, ये आप जेनेटिक्स में पढ़ते हो, न्यूक्लियस के चैप्टर में पढ़ते हो, क्रोमोसोम्स के टॉपिक्स में पढ़ते हो, ठीक है. तो ऐसे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को कैरियोटाइप का हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ईडियोग्राम. सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टेड इन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अच्छा, आपको एक चीज़ नोटिस मिल रहा होगा इस ऐसे मतलब इस पेपर में कि ज़्यादातर क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी से. सो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि प्लांट फिजियोलॉजी वाला जो पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से तैयार रखना है, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. इवन ये वाले क्वेश्चंस भी हमारे प्लांट फिजियोलॉजी से ही पूछा गया है, ठीक है. सो ऑप्शन में क्या है, ATP, NADP, UDP या फिर FMN. फिर से क्वेश्चन में रिपीट करती हूँ, यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम कौन करता है. सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका NAD, निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड. इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. टेंथ नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन एन इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी. ये आपका इकोसिस्टम से आया हुआ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार आपने कंपटीशन एग्जाम्स में रिपीट देखा होगा. अगर आपने BHU या अदर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम्स या क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है अदर सब्जेक्ट्स में, अदर यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स में. इवन BHU में भी ये क्वेश्चन पिछले साल भी, या आप देख सकते हो एग्रीकल्चर या फिर BHU BSc बायो ऑनर्स में भी ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है. तो इकोसिस्टम में जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो क्या होती है, मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, रोटेशनल या फिर यूनी डायरेक्शनल. सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन, और वो है आपका यूनी डायरेक्शनल. नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्लांट विच फ्लावर ओनली वंस आर कॉल्ड. एक बार जिनमें जो है फ्लावरिंग होते हैं ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक, पेरिकार्पिक, पॉलीकार्पिक या फिर क्लिस्टोकार्पिक, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का जो 11th नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट, मोनो. मोनो से ही आपको पता चल रहा है एक, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है ग्रोथ इज इनडेफिनिट. अगर ग्रोथ इनडेफिनिट है तो इनमें से किन में है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, एनिमेलिया या फिर प्लांटाई, ठीक है, प्लांट. तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो प्लांट है, ठीक है. इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो आपको मिलेगा प्लांट में, जो कि जहाँ पे ग्रोथ इनडेफिनिट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, शीट डॉर्मेंसी इज कॉज्ड बाई एक्यूमुलेशन ऑफ. जो शीट्स होते हैं उनका जो डॉर्मेंसी होता है वो किसकी वजह से कॉज करता है, किस, यहाँ पे हॉर्मोन्स, पर्टिकुलर फाइटो हॉर्मोन्स दिए हुए हैं, प्लांट हॉर्मोन्स, बेसिकली साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड जिसको हम ABA भी कहते हैं, या प्लांट का स्ट्रेस हॉर्मोन्स भी कहते हैं, ऑक्सिन या फिर जिब्रेलिन. तो जो सीड डॉर्मेंसी का काम होता है उसको एक्यूमुलेट करने का काम कौन करता है, उसको एक्यूमुलेट करने का काम बेसिकली करता है आपका ABA, एब्सिसिक एसिड, जिसको हम स्ट्रेस हॉर्मोन्स कहते हैं प्लांट का. सो सेकेंड ऑप्शन आपका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है रूट इनिशिएशन को कौन प्रमोट करता है.
यानी यहाँ पे भी हॉर्मोन्स का ही ऑप्शन दिया हुआ है. सो रूट इन को इनिशिएट करने का काम काइनेटीन जैसा हॉर्मोन करता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा. सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ नंबर यानी डी ऑप्शन. 15 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं. 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है सेमोफाइट्स ग्रो ऑन, ठीक है, स्टोन, सेलाइन लैंड, सैंड या फिर मार्शी लैंड. इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है, एक सेकेंड, हाँ क्या मैं बता रही थी क्वेश्चन क्या था हमारा, प्लाज्मोफाइट्स ग्रो ऑन. बेसिकली प्लाज्मोफाइट्स जो होते हैं वो आपके सैंडी एरिया में ग्रो करते हैं. तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका सी नंबर ऑप्शन, थर्ड नंबर ऑप्शन, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन. ये भी आपका एनाटॉमी यानी प्लांट एनाटॉमी से आया हुआ क्वेश्चन है. कैस्पीरियम स्ट्राइप आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरीसाइकिल, इंडोडर्मिस, कैम्बियम या फिर जाइलम. सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है इंडोडर्मिस, सेकेंड ऑप्शन, ये आपका सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन. 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्की, ठीक है. ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोनेरा से. मोनेरा जब भी आप पढ़ते हो तो आपको मोनेरा में बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा पढ़ाया जाता है. तो ये आर्की बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्की बैक्टीरिया इनमें से कौन है, हेलो बैक्टीरियम, साल्मोनीला, स्यूडोमोनास या फिर क्लॉस्ट्रीडियम. तो आप जानते हैं कि आर्की बैक्टीरिया के तीन टाइप्स होते हैं, राइट. एक होते हैं हेलो बैक्टीरियम, थर्मो एसिडो, और एक होते हैं आपका पर्टिकुलर ये इस क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन है वो है आपका हेलोफिल्स, मतलब हेलो बैक्टीरियम, ठीक है. तो तीन क्लासेस में, क्योंकि आप देख रहे हो कि साल्मोनिला, स्यूडोमोनास और क्लॉस्ट्रीडियम ये तीनों ही आर्की बैक्टीरिया में नहीं आते हैं, तो उस हिसाब से जो आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 का वो हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूटिंग हॉर्मोन. सो बेसिकली कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि रूट का प्रोडक्शन करता है, रूट का ग्रोथ करता है. तो ऐसे हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं जो कि पर्टिकुलर रूट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं. तो ऐसे हार्मोन्स को हम कहते हैं NAA. अब ये NAA क्या है, NAA आपका ऑक्सिन का ही एक एग्जांपल है, ठीक है, ये आपका ऑक्सिन का ही एग्जांपल है. तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी एक बार रिपीट हो चुका है. काइजमेटा आर फॉर्म ड्यूरिंग. सो बेसिकली इसमें थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि आप देखते हो कि बेसिकली पैचिटीन होता है, लेकिन आप CBSE की बुक्स में उठा के देखो तो डिप्लोटीन होता है. तो उस हिसाब से आप डिप्लोटीन के ऑप्शन को टिक लगा सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. 20 नंबर क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि जो वीवी पेरस होते हैं, वीवी पेरस मतलब जो बच्चे जानते हैं, यंग वंस को फॉर्म करते हैं, इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरासाइट, मेसोफाइट्स, हॉलोफाइट्स या फिर हाइड्रोफाइट्स. किन के लक्षण को, किन के कैरेक्टर्स को ये शो करते हैं. तो बेसिकली ये हेलोफाइट्स के कैरेक्टर को शो करते हैं. तो उस हिसाब से सही ऑप्शन है आपका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, ग्रेना. ये भी प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, आपके प्लास्टिड से पूछा गया क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट से. तो ग्रेना आर प्रेजेंट इन बेसिकली नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होता, गॉल्जी बॉडी में भी नहीं होता और राइबोसोम्स जैसे सेल ऑर्गेनल्स में भी नहीं होता. तो सही ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ एपिडर्मल सेल. इनमें से कौन एपिडर्मल सेल का प्रकार ने कोशिका सेल्स का प्रकार नहीं है, टाइप्स नहीं है. तो ट्राइकोम्स, रूट हेयर्स, गार्ड सेल्स या फिर कॉर्क. सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, जो कि है गार्ड सेल्स, क्योंकि वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, स्टोमेटा में देखने को मिलता है, ना कि एपिडर्मल सेल्स में. नेक्स्ट आते हैं मशरूम इज एन एडिबल, ठीक है ना, मशरूम इज एन एडिबल. इसको आप जानते हो कि खाया जाता है. तो ये क्या है, एल्गी है, फंगाई है, ब्रायोफाइट्स है या फिर टेरिडोफाइट्स है. तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डाइवर्सिटी से पूछा गया है और ये हमारा क्या है, ये हमारा फंगाई है, ठीक है. सही ऑप्शन है आपका सेकंड नंबर ऑप्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मेट्स, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है और एक बार कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आप जानते हैं प्लाज्मेट क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जो बैक्टीरियल सेल्स में पाया जाता है। सो उस हिसाब से इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन आपको पता चल ही गया होगा अभी तक में, जो कि है सेकेंड ऑप्शन, बैक्टीरिया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका द मोस्ट एब्यूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड या फिर सेल्यूलोज। सो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका सेल्यूलोज, ठीक है, जो सही ऑप्शन है वो है आपका सेल्यूलोज। अर्थ में सबसे ज़्यादा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो सेल्यूलोज से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो ये हो गया आज का हमारा BHU BSc नर्सिंग 2020 के बॉटनी के पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम बहुत जल्दी बात करने वाले हैं, मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी जूलॉजी वाले पार्ट को। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये चैनल और आपको मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। इसी तरीके से मैं वीडियोज़ लेके आती रहूँगी और उसका नोटिस आपको सही टाइम पे मिल सके, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।